आइए आज बात करते हैं थॉट और थिंकिंग में क्या फर्क है। उसको हम बोलते हैं थॉटिंग एंड थिंकिंग। तो थॉट्स और थिंकिंग क्या है, इसके बारे में बातचीत करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हमारे ब्रेन में दो हिस्से हैं, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो है, मतलब जो मैं अभी बात कर रहा हूं, जो मैं अवेयर हूं मेरे बारे में और अभी मैं वर्तमान में मौजूद हूं और वर्तमान में जो डील कर रहा हूं, अभी बातचीत कर रहा हूं, ये कॉन्शियस माइंड से कर रहा हूं। और दूसरा है सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड, अंतर्मन। तो वो जो अंतर्मन है या जो सबकॉन्शियस माइंड है या अनकॉन्शियस माइंड उसको बोलते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली काम करते रहता है, वो ऑटोमेटिक काम करता है। कॉन्शियस माइंड, मैं काम अभी कर रहा हूं वो कॉन्शियस माइंड से कर रहा हूं, ऑटोमेटिक जो करता है वो अनकॉन्शियस है या सबकॉन्शियस है। अब ये जो थॉट्स है, थॉटिंग, तो 50,000 से 60,000 थॉट हमको दिन भर में आ रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर वो थॉट्स नेगेटिव रहते हैं, और वो है थॉटिंग, ऑटोमेटिक थॉट्स आना। उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी, ATM, या एंट, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। और वो होते हैं पास्ट के बारे में, वो होते हैं फ्यूचर के बारे में। जब वो पास्ट के बारे में होते हैं तो हमको निराशा आती है, उदासीनता आती है, मैंने ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, ऐसा वैसा चालू रहता है, और नर्वसनेस, उदासीनता आती रहती है। फ्यूचर के बारे में जब थॉट्स आते रहते हैं, वो है चिंता प्रोड्यूस करने वाली, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, मैं क्या करूं, फाइनेंशियली कैसा होगा, पैसा कैसा आएगा, शादी कैसी होगी, प्रमोशन कैसा मिलेगा, नौकरी कैसी, धंधा कैसा होगा, मतलब ऐसे फ्यूचर के बारे में विचार आते रहते। अब ये दोनों भी, फ्यूचर और पास्ट, ये दोनों भी जो है वो ऑटोमेटिक है, चालू रहता है। मैं कुछ उसकी चिंता करता नहीं हूं, उसके बारे में मैं सोचता नहीं हूं, जो ऑटोमेटिक है, उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। और अभी जो मैं बातचीत कर रहा हूं, अभी जो मैं कुछ क्रिएट करूंगा, अभी जो मैं बोलूंगा, अभी जो मैं नया बोल रहा हूं, सोच रहा हूं, अभी इस वक्त ये क्षण, वो है थिंकिंग। समझो मैं अभी फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर रहा हूं, और वो इस क्षण कर रहा हूं प्लानिंग, एक्टिवली इन्वॉल्विंग माई सेल्फ, एक्टिवली प्लानिंग फ्यूचर के बारे में कर रहा हूं, तो वो थिंकिंग हो सकता है। या पास्ट में जो उसके बारे में अभी सोच रहा हूं और उसको प्रेजेंट होना होगा, अभी मैं सोच रहा हूं उसके बारे में, वो थॉट्स के बारे में, तो थॉट्स के बारे में जब मैं सोच रहा हूं और वो प्रेजेंट में है, वो भी थिंकिंग हो सकता है। मतलब फ्यूचर के बारे में प्रेजेंट में सोच रहा हूं, वो थिंकिंग हो सकता है, पास्ट के बारे में प्रेजेंट में सोच रहा हूं, वो भी थिंकिंग, जो भी एक्टिवली होता है कॉन्शियसली वो थिंकिंग है, जो पैसिवली होता है वो है थॉटिंग है। फिर क्या थॉटिंग जो है वो, समझो भी मैं प्रेजेंट में बातचीत कर रहा हूं तो थॉटिंग नहीं है, होता है। समझो भी मैं खेल रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं, ऑटोमेटिक थॉट्स चालू है ना अंदर, तो वो मुझे इन्फ्लुएंस करते रहते हैं और बीच बीच में मुझे खींचते रहते हैं प्रेजेंट से, वो खींचेंगे पास्ट में, ये खींचेंगे फ्यूचर में। तो फिर उस समय मैं ऑन द कोर्ट प्रेजेंट में नहीं हूं, फिर मैं एक तो पास्ट में हूं या फ्यूचर में। तो जब जब मैं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं फ्यूचर से प्रभावित हो गया, पास्ट से प्रभावित हो गया, ऑटोमेटिक आ रहा, तो समझ जाना कि मैं स्टैंड्स में बैठा हूं, पेविलियन में बैठा हूं, और पेविलियन में देख के मैच देख रहा हूं, और जब एक्चुअली खेल रहा हूं तो खेल रहा हूं। मगर खेलते खेलते भी, मतलब आप कंपेयर करना है तो समझो आप क्रिकेट के स्टैंड पे बैठे हैं और क्रिकेट खेल रहे, तो जो स्टैंड पे बैठा है वो क्या कर रहा है, सोच रहा है, विचार कर रहा है, कैसा करना चाहिए, क्या खेलना चाहिए, किस तरह से खेलना चाहिए, ऐसा विचार कर रहा है। वो विचार करने से कुछ फर्क पड़ रहा है क्रिकेट के ऊपर? कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। मगर एक्चुअली जो क्रिकेट खेल रहा है ऑन द कोर्ट, वहां पिच के ऊपर, वो एक्शन ले रहा है, और वह एक्शन वहां प्रेजेंट में ले रहा है कि बॉल ऐसा आ गया तो वह ऐसे मार देता है। तो एक्चुअली जब वो आदमी खेलते रहता है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में एक्शन ले रहा है, तो वो थिंकिंग है, और जो ऑटोमेटिक आ रहा है वो थॉटिंग है। थिंकिंग जो है वो कॉन्शियस में होता है, अवेयरनेस में होता है, थॉटिंग जो है वो अनकॉन्शियसली होता है और पास के बारे में होता है। तो ये हमने फर्क जान लिया तो हमको समझ में आ गया, आ जाएगा कि थॉटिंग और थिंकिंग क्या है। हम थॉटिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, थॉटिंग ऑटोमेटिक है, थॉटिंग से हमारे जीवन में कुछ होगा भी नहीं, थॉटिंग से निराशा आएंगी, डिप्रेशन आएगा या एंग्जाइटी होंगी, थिंकिंग से कुछ ना कुछ हम क्रिएट कर पाएंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।